हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम दोस्तों हमारी क्लास में। और आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का हार्डकोर टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है न्यू बैड बैंक। दोस्तों न्यू बैड बैंक, ये शब्द आपने सुना होगा जब आपने 2021-22 का बजट देखा होगा दोस्तों। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि जो बैंकों पर एनपीए का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक, तो इस प्रेशर को कम करने के लिए हम नया बैड बैंक बनाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ थी ना, ये चीज़ हमारे एफएम ने बोली थी बजट में। तो ये बैड बैंक दोस्तों क्या होते हैं, ये एनपीए क्या होता है, यहाँ पर मैंने एनएआरसीएल लिखा हुआ है और आईडीआरसीएल लिखा हुआ है, ये क्या होता है दोस्तों। तो इस टॉपिक में हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको बताएंगे दोस्तों ये एनपीए क्या होता है, अगर ये एनपीए होता है तो बैंक क्या करते हैं दोस्तों, देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ एआरसी, देन ये बैड बैंक कैसे डिफर करता है दोस्तों, और फिर ये एनएआरसीएल क्या है, आईडीआरसीएल क्या है, यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे दोस्तों। टॉपिक थोड़ा ठीक होगा, लंबा होगा और आपको यहाँ पर बेसिक से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों ये आप मुझसे कहीं पर लिखवा लो स्टैम्प पर, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अभी जो पिछले साल एग्ज़ाम्स हुए दोस्तों, लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बने, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो टॉपिक दोस्तों ये हमारा। अगर आप मेरा कंटेंट दोस्तों फॉलो करेंगे तो मैं ऐसे फालतू करने नहीं आता हूँ, मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज़ में गाइस, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था ये जो महिलाओं के लिए नई स्कीम आई थी, हाँ वो पढ़ाया था मैंने, आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा दोस्तों। आज हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा दोस्तों। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो भी वीडियोस हमारे आते हैं वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ताकि आपको दौड़ना भागना ना पड़े यहाँ दोस्तों। चलिए तो गाइज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बैड बैंक। ये बैड बैंक क्या होता है गाइज़, ये एनएआरसीएल क्या है, आईडीआरसीएल क्या है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बैड बैंक की अवधारणा कैसे आती है गाइज़, ये एनपीए क्या होता है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, हम दोस्तों पहले आपसे इसकी बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए गाइस, पहले हम बात करेंगे एनपीए क्या होता है, ठीक है दोस्तों। सपोज कीजिए गाइस, सपोज कीजिए एक पर्सन है, यहां पर मिस्टर बनवारी लाल दोस्तों, बनवारी लाल दोस्तों एक पर्सन है, ठीक है दोस्तों। ये गए किसी बैंक के पास, ठीक है, और इन्होंने बैंक से लोन की डिमांड की, हमें लोन चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले चल रहे हैं 1 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक। तो बनवारी लाल ने बैंक से 1 करोड़ रुपए का दोस्तों लोन मांगा, ठीक है। तो बैंक ने देखा कि जो ये बनवारी लाल है बढ़िया आदमी है, तो बैंक ने इनका लोन सैंक्शन कर दिया, ठीक। लेकिन दोस्तों बैंक ने क्या बोला कि हे बनवारी लाल, आपको महीने की हर पहली तारीख को हमारे पास आना है, और जो भी आपकी ईएमआई बन रही होगी वो हमें देनी है दोस्तों। तो ईएमआई का मतलब होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट का एक पार्ट और ब्याज दोस्तों, ठीक है। तो बैंक ने क्या बोला, आपको 1 तारीख को आना है हर 1 तारीख को, और जो भी हमारी ईएमआई बन रही है वो देनी है हमको, यानी 1 तारीख को आप देंगे हमें ईएमआई दोस्तों, ठीक है। अब 1 तारीख आ गई और आज बैंक वेट कर रहे हैं कि बनवारी लाल की ईएमआई आएगी दोस्तों, लेकिन पूरा दिन बीत गया, बनवारी लाल नहीं आए दोस्तों, यानी जिस दिन बैंक को पैसा मिलना था वो दिन बीत गया और ये नहीं आए, ठीक। अच्छा दोस्तों, अब इस तारीख से मतलब 1 तारीख को दिन बीत गया दोस्तों, 1 दिन बीत गया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन दोस्तों, और डेज कॉन्टिन्यूस बीतते जा रहे हैं दोस्तों, और बनवारी लाल का अता पता नहीं है गाइस, वो आ ही नहीं रहे दोस्तों। तो याद रखना, तो जिस दिन बैंक को पैसा मिलना होता है दोस्तों, अगर उस दिन से पैसा नहीं मिला और 90 दिन का दोस्तों गैप हो गया, 90 दिन का दोस्तों गैप हो गया, ठीक, जिस दिन बैंक को पैसा मिलना होता है अगर उस दिन से 90 डेज का गैप हो गया और बनवारी लाल ने बैंक का पैसा नहीं दिया दोस्तों, तो बैंक इस लोन को क्या बोल देगा, बैंक बोल देगा नॉन परफॉर्मिंग असेट दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये हमारा क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट का दोस्तों, ये हमारा असेट है जो काम नहीं कर रहा है दोस्तों, मतलब इससे मैं प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है। देखो एक बात और समझ लो, अगर और डीप में आना गाइस तो एक बार और समझ लो। देखो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बैंकों की, है ना गाइस, बैंक दोस्तों, तो बैंक में हमेशा 2 चीज होती है गाइस, एक होता है बैंक का असेट, एक होता है बैंक का असेट, और गाइस एक होती है बैंक की लायबिलिटी, एक होती है बैंक की लायबिलिटी गाइस, ठीक है, असेट एंड लायबिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे बैंक का असेट मतलब जिस चीज से बैंक को प्रॉफिट होता है, जिस चीज से बैंक को प्रॉफिट होता है गाइस। तो अगर हम क्वेश्चन पूछें कि भाई बैंक का असेट क्या होता है, तो बैंक को प्रॉफिट मैक्सिमम किससे होता है गाइस, तो बैंक को प्रॉफिट मैक्सिमम लोन से होता है ना। तो बैंक के असेट क्या होते हैं दोस्तों, लोन होते हैं।
What is the meaning of liability है दोस्तों? Liability का मतलब क्या होता है? तो liability का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बैंक के पास है तो, लेकिन वो बैंक की अपनी नहीं है, बैंक को एक ना एक दिन उसे वापस करने का इस। तो liability का मतलब होता है कस्टमर का डिपॉजिट, क्योंकि कस्टमर ने अगर पैसा बैंक में जमा किया तो बैंक के पास तो है, लेकिन वो बैंक का अपना पैसा नहीं, बैंक को कभी ना कभी इस पैसे को वापस करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बेसिक चीज़ है। तो मैंने गाइस क्या बताया आपको कि बैंक का असेट क्या होता है? लोन होता है गाइस, ठीक। तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि बैंक का असेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी बैंक का असेट मतलब लोन जिससे बैंक को फायदा नहीं मिल रहा गाइस। तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हो, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट गाइस। तो मैंने आपको यहां यह बताया गाइस कि बैंक किसी लोन को एनपीए क्यों बोलता है, क्योंकि उस लोन पर बैंक को रेगुलर इंटरवल्स पर पैसे नहीं मिल रहे, यानी बैंक का लॉस हो रहा है गाइस। और कब इसे हम बोलते हैं कि एनपी हो गया दोस्तों? 90 दिन बाद। तो जब बैंक को पैसा मिलना होता है उस दिन से, अगर 90 डेज गैप हो गया और बैंक को पैसा नहीं मिला, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं एनपीए। चलिए दोस्तों, तो अब हमारे सामने एक चीज आ गई है कि बनवारी लाल एक व्यक्ति थे जिन्होंने बैंक से लोन लिया और एनपीए कर दिया गाइस। तो अब बैंक क्या करता है दोस्तों? देखो, जब कोई लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक उसकी रिकवरी करता है। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये दोस्तों कि बैंक लोन की रिकवरी कैसे करेगा? अब दोस्तों इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं गाइस? यहां पर हम देख रहे हैं कि बनवारी लाल दोस्तों, ठीक है, बनवारी लाल दोस्तों, ठीक, इन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी, अपनी एक प्रॉपर्टी गाइस, ठीक है, इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी दोस्तों बैंक के पास गिरवी रखी थी और बैंक से 1 करोड़ रुपए का दोस्तों लोन लिया था, ठीक है, क्लियर है भाई? अगर बैंक ने लोन दिया था, अगर बैंक ने लोन दिया था तो बैंक के पास कोई सिक्योरिटी होगी ना। तो बैंक ने एक प्रॉपर्टी के बदले में, घर के बदले में बनवारी लाल को दोस्तों लोन दिया था, ठीक। अब बनवारी लाल ने गाइस एनपी कर दिया और ये बैंक का पैसा नहीं दे रहे दोस्तों, ठीक। तो अब क्या होगा दोस्तों? अब बैंक क्या करेगा? तो बैंक इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा दोस्तों, यानी बैंक ने इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ठीक। लेकिन बैंक को प्रॉफिट कैसे हुआ फिर दोस्तों? अब क्या होगा? तो जब बैंक बनवाया की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा दोस्तों, तो बैंक इस प्रॉपर्टी का दोस्तों ऑक्शन कराएगा, क्या कराएगा? नीलामी कराएगा दोस्तों, ठीक, मतलब बेचेगा, कहने का मतलब सेल करेगा दोस्तों, ठीक है। अब जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी खरीदेगा, जो व्यक्ति जो ये परचेस कर रहा है गाइस, तो जो ये परचेस कर रहा है, तो ये जो पैसा है ये बैंक को दे देगा दोस्तों, तो बैंक का अपना प्रॉफिट निकल जाएगा, मतलब बैंक को अपना पैसा मिल जाएगा। यही दोस्तों होता है हमेशा हमारे देश में, बैंक ऐसे ही प्रॉफिट अर्न करते हैं अगर एनपीए हुआ तो, ठीक दोस्तों। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि बैंक ने बनवारी लाल की प्रॉपर्टी ले ली, अब बैंक इसका ऑक्शन करवा रहा है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ऑक्शन हो ही नहीं पाता है, कोई खरीदने के लिए आता ही नहीं प्रॉपर्टी दोस्तों। क्यों? क्योंकि हो सकता हो कि प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो, प्रॉपर्टी गली में है, प्रॉपर्टी बहुत पुरानी टाइप की है, टूटी फूटी सी है दोस्तों, ऐसा होता है। तो कई बार प्रॉपर्टी रखने के बाद भी दोस्तों बैंक अपने लोन की रिकवरी कर नहीं पाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बैंक से बिकती नहीं दोस्तों। तो अब यहां पर कौन बैंक की हेल्प करता है इसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तीसरे स्टेप में देखिए दोस्तों, अब क्या होता है? देखो दोस्तों, बनवारी लाल की प्रॉपर्टी है गाइस, ठीक है, बैंक ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है दोस्तों, लेकिन दोस्तों बैंक इसे बेच नहीं पा रहा, बैंक से बिक नहीं गाइस। तो ऐसे केस में गाइस बैंक हेल्प मांगते हैं किससे? एआरसी से दोस्तों, एआरसी, जिसका फुल फॉर्म क्या गाइस? जिसका फुल फॉर्म होता है असेट रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज दोस्तों। तो अब बैंक दोस्तों इनसे हेल्प मांगता है, एआरसी दोस्तों, ये इसी काम में एक्सपर्ट होते हैं, एआरसी दोस्तों, नाम क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी गाइस। तो बैंक इनसे हेल्प मांगता है कि देखो भाई, हमारे पास एक एनपी अकाउंट है, एक प्रॉपर्टी है, हम बेच नहीं पा रहे, तुम हमारी हेल्प करो दोस्तों, ठीक है। तो अब जो ये एआरसी है गाइस, ये एआरसी को आप क्या बोल सकते हो? इन्हीं को आप बैड बैंक बोल सकते हो गाइस, इन्हीं को आप लोग बैड बैंक भी बोलते हो, बैड बैंक, ठीक है, आप एआरसी बोलो, मतलब सिनोनिम शब्द है दोस्तों, सुना सकते हैं। तो ये जो एआरसी गाइस या बैड बैंक है, अब इनका काम दोस्तों शुरू होता है। तो ये क्या काम करेंगे दोस्तों? तो पहले ये एनालिसिस करेंगे ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक रही है और इस एरिया में क्या होना चाहिए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक महानगर में हैं, मेन मार्केट में है, और आपकी प्रॉपर्टी टूटी फूटी सी है, तो अगर आप मेन मार्केट में एक शॉपिंग मॉल बना दें या कॉम्प्लेक्स बना दें या शॉप्स बना दें, कुछ भी ऐसा बना दें जो बिक जाए,
दोस्तों, तो एआरसी वो काम करेगी यहां पर। दोस्तों एआरसी ने क्या किया, एआरसी ने इस बिल्डिंग को तोड़ दिया और इस बिल्डिंग में गाइस उन्होंने एक अपार्टमेंट बना दिया 6 फ्लोर का दोस्तों, ठीक है, 6 फ्लोर का दोस्तों। अब 6 फ्लोर की जो ये फ्लैट है इनका दोस्तों, इसको बनाने मान लो इनकी कॉस्ट आई फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है। तो गाइस हर फ्लोर पर सिंगल सिंगल फ्लैट है, ठीक है, तो ऊपर के 3 फ्लैट ये ले लेंगे और नीचे के 3 फ्लैट बैंक को दे देंगे दोस्तों, किलो जाओ बेचो अपना, ठीक, फ्लैट बिक जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मान लो इन्होंने लगाया 3 करोड़ रुपए और हर फ्लैट का दाम इन्होंने लगाया दोस्तों 1 करोड़ रुपए लगा दिया हर फ्लैट का, या फॉर एग्जाम्पल 1.5 करोड़ रुपए दोस्तों। तो अगर ये 3 फ्लैट बेचेंगे तो इनको 4.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, इन्वेस्ट किया 3 करोड़ रुपए, प्रॉफिट हो गया 4.5 का, ये निकल जाएंगे अपना और बैंक बेच के अपना पैसा निकाल लेगा दोस्तों। ये एक तरीका है एआरसी के दोस्तों, कई तरीके होते हैं, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं कि एआरसी कैसे बैंक की हेल्प करता है, ध्यान देना, ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है दोस्तों। तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एआरसी कैसे हेल्प करते हैं बैंक की, वो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इन्हीं एआरसी को हम बैड बैंक भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो अब आप बोलेंगे सर चलो बैड बैंक तो क्लियर है, लेकिन आपका जो टॉपिक है वो क्या है, आपका टॉपिक है न्यू बैड बैंक। तो ये जो न्यू बैड बैंक है, ये जो आमतौर पर बैड बैंक है मतलब एआरसी, उनसे कैसे डिफर करता है दोस्तों, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो जो एआरसी होती है उन्हें हम बैड बैंक बोलते हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो न्यू बैड बैंक बना रही है दोस्तों, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है गाइस। देखो दोस्तों, ये जो एआरसी होती है ये छोटी मोटी कंपनी होती है, ये छोटे मोटे एनपीए डील करती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ दोस्तों। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है न्यू बैड बैंक दोस्तों, न्यू बैड बैंक, ये थोड़ा बड़ा बैड बैंक दोस्तों होगा, मतलब ये थोड़ा बड़ा एआरसी होगा दोस्तों, एआरसी होगा। कंडीशन ये गाइस कि ये जो बैड बैंक है ये केवल और केवल 500 करोड़ रुपए या उसके ऊपर, ये केवल और केवल 500 करोड़ रुपीज या उसके ऊपर के एनपीए को ही हैंडल करेगा, मतलब ये छोटे मोटे लोन की रिकवरी नहीं करेगा दोस्तों। तो भारत सरकार ने जो न्यू बैड बैंक बोला है दोस्तों, तो वो बड़े एनपीए के लिए दोस्तों, जो बड़े बड़े एनपीए होते हैं अबव 500 और अबव दोस्तों, यानी कम से कम 500 करोड़ रुपए या उसके ऊपर का जब एनपीए आएगा तब इसका रोल शुरू होगा दोस्तों। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि देयर आर नियर अबाउट 2 लाख करोड़ रुपीज गाइस, करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए ऐसे पैसे हैं दोस्तों जो 500 करोड़ से ऊपर के एनपीए हैं, इनको मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए है। और ये हमारा टारगेट है कि न्यू बैड बैंक से हम करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के एनपीए को रिकवरी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे हमने आपको समझा दिया एनपीए के बारे में, एआरसी के बारे में, एआरसी को हम बैड बैंक भी बोलते हैं दोस्तों, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो हम बैड बैंक बना रहे हैं तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है गाइस। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू बैड बैंक है वो बड़ी चीज के लिए, तो कम से कम 500 करोड़ रुपए उसके ऊपर के ही अमाउंट के एनपीए की रिकवरी यहां से होगी दोस्तों। चलिए अब हम आगे ले जाएंगे आपको और आपको हम समझाएंगे दोस्तों कि ये कैसे काम करेगा, जो ये न्यू बैड बैंक है दोस्तों ये कैसे काम करेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना वरना कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, दोस्तों सोच करो एक बैंक है, ठीक है दोस्तों, और इस बैंक का दोस्तों हो गया है एनपीए और ये एनपीए 500 करोड़ रुपीज उसके ऊपर है दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे बैड बैंक की दोस्तों। देखिए दोस्तों, ध्यान देना, तो जो हमारा बैड बैंक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं न्यू बैड बैंक, इसके दो पार्ट हैं गाइस, एक है NARCL दोस्तों, ठीक, और एक है दोस्तों IDRCL दोस्तों, ठीक है। मतलब जो बैड बैंक है उसके दो पार्ट है NARCL, IDRCL, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, हम वही बन जाने वाले हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या होता है, देखो तो जब कोई बैंक बोलता है कि भैया हमारा एनपीए हो गया है और जो बैंक है वो बैड बैंक से हेल्प मांग रहा है दोस्तों, तो क्या होता है, तो जो डीलिंग होती है डीलिंग वो करता है NARCL दोस्तों। तो NARCL इनके पास जाएगा, ठीक, बैंक के पास, और बैंक से कॉन्टेक्ट करेगा कि आप हमें एनपीए दे दीजिए, ठीक दोस्तों, आप हमें एनपीए दे दीजिए। तो डीलिंग कौन करता है, डीलिंग करता है NARCL दोस्तों। अच्छा दो दोस्तों, तो मान लो ये एनपीए गाइस 500 करोड़ रुपए का है, 500 का, ठीक। तो दोस्तों क्या होता है कि जो बैड बैंक है मतलब NARCL, ये 500 करोड़ रुपीज का एनपीए अपने नाम पर दोस्तों ले लेता है, ठीक, और बदले में दोस्तों बैंक को ये 15% कैश ये दोस्तों तुरंत ऑफर करता है,
ठीक है, फिर समझो, जैसे बैंक का एमपी है, एमपी मतलब प्रॉपर्टी बॉडी वाली है, तो एनएआरसीएल तुरंत इसको ले लेगा तुरंत, और 15% दोस्तों इसका जो है कैश बैंक को देगा दोस्तों, और बैंक से क्या बोलेगा कि भैया 85% पैसा जो है ना वो हम तुमको बाद में देंगे तुमको हम दोस्तों। लेकिन लेकिन क्या प्रूफ है कि आप बाद में दोगे दोस्तों? तो इसके बदले में जो एनएआरसीएल है वो इनको देगा क्या, सिक्योरिटी रिसिप्ट दोस्तों, सिक्योरिटी रिसिप्ट दोस्तों। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब लिखित में आप सोच लो एक बिल विल एक बॉन्ड बॉन्ड दोस्तों, मतलब जो एनएआरसीएल है, अगर सपोज करो कि जो एनपीए है वो 500 करोड़ रुपए का था, तो एनएआरसीएल 500 करोड़ रुपीज का 15% कैश दे देगा और 85% दोस्तों लिखित में दे देगा कि हम आपको देंगे सिक्योरिटी रिसिप्ट, ताकि बैंक सिक्योर रहे, बैंक को दिक्कत ना हो कोई दोस्तों कि हम बाद में देंगे आपको, ठीक है। अच्छा चलो, अब दोस्तों क्या हुआ, अब ये जो एनपीए है, जो पूरा प्रॉपर्टी पॉलिटी है, वो किसके पास आ गई, एनएआरसीएल के पास। तो लेकिन यहां पर काम इनका खत्म हो गया एनएआरसीएल का दोस्तों, ये केवल डीलिंग करते हैं, ये सेल नहीं करते गाइस। सेल का काम कौन करता है, आईडीआरसीएल दोस्तों। तो ये क्यों बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया है सेल करने के लिए, मतलब दोस्तों अब जो एनएआरसीएल है वो क्या करे दोस्तों, वो क्या करेगा, वो इस एनपीए को इनको दे देगा, लो भैया हम एनपीए लेकर आए, ये रही प्रॉपर्टी ओवर लिस्ट, अब तुम इसे बेचो गाइस। तो अब दोस्तों जो ग्राहक को बेचने वाली बात होगी, इसमें क्या बनाना है, क्या तोड़ना फोड़ना है, किसको बेचना है, ये सब डिसाइड आईडीआरसीएल दोस्तों। तो आईडीआरसीएल दोस्तों जो एनपीए जो है हमारी प्रॉपर्टी, वो कैसे बिकने वाली है, क्या होने वाला है, ये सब तय आईडीआरसीएल करेगा इसको, ठीक है। और ये किसी बायर को दोस्तों, ये किसी बायर को ढूंढेगा और उसको ये बेच देगा प्रॉपर्टी आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन या जो भी है दोस्तों, मतलब सारा काम आईडीआरसीएल करता दोस्तों। तो ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक रही है, इसमें हम क्या चेंजेस कर दें, कैसे ऑफर करें, क्या प्राइस रखें, ये सब काम इनका है दोस्तों, और ये सारा गुड़ा गणित लगाकर इसको बेच देंगे दोस्तों बायर को दोस्तों, ठीक। अब जब बायर से पैसा मिलेगा दोस्तों, तो जो 85% हमने बोला था कि हम बाद में देंगे, तो वो पैसा यहां से दे दिया जाता है दोस्तों बैंक को, ठीक, बेचने के बाद, यानी कि ध्यान देना, तो बैंकों को जो 85% है वो बेचने के बाद मिलता है, मतलब एनएआरसीएल इनको सिक्योरिटी दे देगा कि भाई हम लिखित दे देंगे, लेकिन जब आईडीआरसीएल बेच लेगा इसको, तब 85% जो पैसा है वो इनको यहां पे दोस्तों दे दिया जाएगा कैश। अच्छा, अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि एनएआरसीएल ने ये प्रॉपर्टी ले ली और आईडीआरसीएल को बेच दी दोस्तों, दे दी मतलब कि लो बेचो, अगर आईडीआरसीएल नहीं बेच पाया तो तब भी बैंक को लॉस है, और क्या ऐसा हो सकता है कि आईडीआरसीएल से न बिके? जी हाँ, ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि भाई कोई प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, इससे भी नहीं बिक रही है। तो गाइस ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सामने खड़ी दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है बैंकों से कि तुम परेशान मत हो, हम करीब करीब 36,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाए हैं, एक फंड बनाए हैं, ठीक। तो अगर आईडीआरसीएल एनएआरसीएल ये तुम्हारा पैसा 85% नहीं दे पा रहे हैं, इनसे प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो कोई बात नहीं, हम तुमको इसमें से पैसा दे देंगे, तुम्हारा काम चलता रहे, वो तो हम बाद में बेच ही लेंगे दोस्तों। तो यहां पे गवर्नमेंट की गारंटी भी है बैंकों को दोस्तों, तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम चिंता मुक्त होकर अपना एनपीए इनको दो, अगर ये बेच लेते हैं तब तो पैसा मिलने ही वाला है, अगर ये नहीं बेच पाते तो हमने एक फंड बना दिया पहले से, उसमें से पैसा तुमको दे दिया जाएगा, और ये तो हम बाद में बेच ही लेंगे, कभी ना कभी बेच ही लेंगे। तो ये ऐसे दोस्तों काम करता है, अगर आप चाहें तो मेरे पीछे देखो, यहां पे इमेज देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये बैंक हो गया और ये उसका एनपी हो गया दोस्तों, ठीक। अब यहां क्या है, वो बैड बैंक, तो बैड बैंक में दो पार्ट दिख रहा है, देखो ये बैड बैंक है, तो बैड बैंक में दो पार्ट, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल दोस्तों, ठीक। तो क्या लिखा है, द बैड बैंक एनएआरसीएल बाय द एनपीए एट अ म्यूचुअली एग्रीड प्राइस दोस्तों, मतलब इसका मतलब था कि ये एनएआरसीएल इनके पास जाएगा बैंक के पास और क्या बोलेगा कि भैया अपना एनपीए हमको दे दो, ठीक, और एनएआरसीएल इनका 15% कैश देखो इनको दे देगा दोस्तों, ठीक, और 85% के लिए दोस्तों ये सिक्योरिटी रिसिप्ट एसआर सिक्योरिटी रिसिप्ट इनको दे देगा कि भाई हम बाद में देंगे पैसा, ठीक दोस्तों। यानी अब जो ये एनपीए है वो इनके पास आ गया, एनएआरसीएल के पास आ गया दोस्तों। लिखा है द बैड बैंक आईडीआरसीएल सेल द असेट टू अ बायर दोस्तों, यानी एनएआरसीएल अब ट्रांसफर इन्हें कर देगा और ये बेचेंगे। तो एनएआरसीएल काम केवल वो करना है, कॉन्टैक्ट करना है, बातचीत करनी है, बेचने का काम इनका है दोस्तों। अच्छा, तो अगर आईडीआरसीएल इसको बेच देते हैं गाइस, ठीक है, बायर को,
तो देखो लिखा है रियलाइज्ड अमाउंट, मतलब जितना पैसा बचा 35% वो बैंक को दे दिया जाएगा। दोस्तों ये वही इमेज है जो मैंने आपको आगे समझाया, बस इसमें तो एक बात ध्यान देना, अगर IDRCL नहीं बेच पाता है तो यहां पे गवर्नमेंट का जो वो है फंड वो यहां पे काम करेगा फिर दोस्तों। चलिए तो ये तो मैंने आपको तो समझा दिया कि NARCL IDRCL क्या कैसे काम करता है, लेकिन इसकी थ्योरी बहुत जरूरी है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं थ्योरी की दोस्तों। ठीक है थ्योरी देखिए दोस्तों, अबाउट द न्यू बैड बैंक दोस्तों, देखिए यहां पे क्या लिखा दोस्तों कि फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूज NPA दोस्तों, यानी हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े बड़े NPA दोस्तों उनके रिकवरी के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि हम दोस्तों 2 new entities बनाएंगे टू एक्वायर स्ट्रेस एसेट, मतलब इसे NPA दोस्तों, इसे NPA ही बोलते हैं, टू एक्वायर द NPA फ्रॉम द बैंक्स एंड देन सेल देम इनटू द मार्केट दोस्तों। यानी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर में जो बड़े बड़े NPA हैं उनके रिजोल्यूशन के लिए हम 2 entities बनाएंगे जो कि NPA लेगा बैंकों से और उसको मार्केट में बेच देगा दोस्तों, वही लिखा हुआ यहां पे। ठीक चलिए अब 2 entities गाइस, तो 2 का मतलब पहला NARCL आपके सामने लिखा है दोस्तों, देखिए तो NARCL हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, ठीक, एंड हैज अप्लाइड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ लाइसेंस एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो दोस्तों तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप बैड बैंक बोलो या ARC बोलो, बात वही है दोस्तों, तो NARCL एक बैड बैंक तो है ही है लेकिन एक ARC भी है, ये सिनोनिम्स है ना गाइस, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब भी कोई ARC होती है उसे लाइसेंस हमेशा कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देती है दोस्तों, और कहां से, तो Section 3 दोस्तों, Section 3 ऑफ द सरफदई एक्ट, ये भी शायद आगे ये मेंशन होगा मेरे ख्याल से, तो आप समझ लो ऐसे दोस्तों कि NARCL एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पे काम करे दोस्तों, और इसको NARCL को एज अ ARC काम करने का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों देगी। आप देख लीजिए यहां पे लाइसेंस हो जाए, द लाइसेंस इज गिवन अंडर Section 3 ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 देखो लिखा ना, तो इनको जो लाइसेंस दोस्तों RBI देती है वो कहां से देती है, तो वो Section 3 ऑफ द सरफदई एक्ट के थ्रू देती है दोस्तों, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो जो NARCL है उसकी ऑथराइज कैपिटल क्या होगी और उसकी पेड अप कैपिटल दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों लिखा है NARCL फुल फॉर्म दो, तो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड दोस्तों, जिसे हम लोग बैड बैंक भी बोल रहे हैं गाइस, ठीक है, इज अ लीगल एंटिटी नाउ एंड हैज बीन रजिस्टर्ड, ठीक है, मुंबई विद द ऑथराइज कैपिटल दोस्तों 100 crore rupees, याद कर लेना गाइस, NARCL की ऑथराइज कैपिटल 100 crore rupees, ठीक, और जो उसकी पेड अप कैपिटल 74.6 crore rupees है दोस्तों, ऊपर छोड़ दीजिएगा NARCL का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसकी ऑथराइज कैपिटल 100 crore rupees और पेड अप कैपिटल 74.6 crore rupees है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों देखो, NARCL विल एक्वायर स्ट्रेस एसेट वर्थ रुपीज, हाँ जो मैंने आपसे बोला गाइस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम दिया कि तुम्हें कम से कम 2 lakh crore rupees का जो NPA है उसकी रिकवरी करवानी है, जो मैंने पहले आपसे बोला था 2 lakh crore rupees, ठीक, अच्छा NARCL हैज एन इनिशियल कैपिटल बेस ऑफ द 6000 crore rupees दोस्तों, तो NARCL को जो काम करने के लिए दिया गया है तो इसकी इनिशियल कैपिटल 6000 crore rupees, अपनी कैपिटल की 6000 crore rupees, तो इनिशियल कैपिटल प्रारंभिक पूंजी 6000 crore rupees याद रखिएगा। अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक विल मेंटेन 51% ऑनरशिप इन द NARCL दोस्तों, यानी कि जो NARCL है इसमें 51% शेयर सरकारी बैंक के होंगे दोस्तों और 49% शेयर प्राइवेट बैंक के होंगे। ठीक है अच्छा नटराजन सुंदर अपॉइंटेड MD and CEO ऑफ द NARCL दोस्तों, तो अभी रिसेंटली में नटराजन सुंदर को MD CEO अपॉइंट किया गया दोस्तों NARCL का। ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अच्छा और क्या है, NARCL has also appointed former MD CEO of Indian Overseas Bank Karnam Sekhar दोस्तों, तो Karnam Sekhar दोस्तों क्या बने इसके, इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने, ठीक Karnam दो, who is the MD CEO, नाम नटराजन सुंदर एंड who is the नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दोस्तों, तो Karnam Sekhar। इसके बाद ये सब पॉइंट आप चाहें तो छोड़ दें, इतना डीप में क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनता है। ठीक है तो Karnam Sekhar है चेयरमैन और नटराजन सुंदर तो MD CEO हैं।
मैं जितना बोला उतना ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ पढ़ना मत, फालतू में तुम्हारा लॉस होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या लिखा है? तो NARCL हैज शेयर होल्डिंग फ्रॉम 15 इंडियन लैंडर, मतलब बैंक, एंड कैनरा बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस ARC दोस्तों। ठीक है, यही क्वेश्चन पिछले एग्जाम पूछा गया था दोस्तों कि NARCL में स्पॉन्सर बैंक कौन है दोस्तों। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे देश में 15 बैंकों ने इसमें पैसे लगाए दोस्तों, 15 बैंकों ने। ठीक, इसमें कैनरा बैंक का सबसे ज्यादा पैसा लगा। कैनरा बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ द NARCL दोस्तों, तो इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। IDRCL दोस्तों, फुल फॉर्म इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड दोस्तों। ठीक, ये क्या काम करती है गाइस, वो तो हमने पहले ही बोल दिया आपको। ठीक है, अच्छा अब इसकी ऑथराइज कैपिटल क्या है दोस्तों, देखो क्या लिखा है। विद अ पेड अप कैपिटल 80.5 लाख रुपीज, पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज कैपिटल इज 50 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक, तो IDRCL की जो ऑथराइज कैपिटल गाइस वो 50 करोड़ रुपए है और पेड अप कैपिटल 80.5 लाख है, ये सब भूलना मत दोस्तों। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, अब यहां पे उल्टा है दोस्तों। जहां पर NARCL में 51% शेयर जो था दोस्तों वो सरकारी बैंक का था, यहां पे दोस्तों 49% शेयर जो होगा वो होगा किसका, सरकारी बैंकों का, और 51% शेयर जो होगा दोस्तों वो होगा प्राइवेट बैंकों का। यह उल्टा है, वहां क्या था, NARCL में 51% शेयर सरकारी बैंक का था एंड 49% शेयर प्राइवेट बैंक का था। यहां उल्टा है, यहां 51% शेयर प्राइवेट बैंक का है एंड 49% शेयर सरकारी बैंक का दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अविनाश कुलकर्णी हैज बीन चूजन हेड, मतलब चेयरमैन वैसे ऑफ इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी दोस्तों, IDRCL। तो अविनाश कुलकर्णी को दोस्तों चेयरमैन अपॉइंट किया गया IDRCL का, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस, देखिए अब लिखा कि वर्किंग ऑफ NARCL, IDRCL एंड गारंटी ऑफर दोस्तों, ये वही लिखा हुआ। देखो दो, NARCL विल फर्स्ट परचेस बैड लोन्स फ्रॉम बैंक, जो मैंने आपसे बोला कि NARCL जाएगा और बैंक से NPA ले लेगा और इसको 15% दोस्तों कैश दे देगा और 85% ये आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देगा कि हम पैसा देंगे बाद में आपको। दो, व्हेन द असेट आर सोल्ड विद द IDRCL दोस्तों, तो ये NPA कौन बेचता है, IDRCL, द कमर्शियल बैंक विल बी पेड बैक द रेस्ट, मतलब जो हमने बोला था कि 85% बाद में देंगे वो हम दे देंगे दोस्तों बैंक को। ठीक, आगे देखो, इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सेल द बैड लोन्स, अगर जो ये IDRCL है ये लोन ये NPA नहीं बेच पाता है दोस्तों, ठीक, देन द गवर्नमेंट गारंटी विल बी इन्वोक, यानी तब गवर्नमेंट की गारंटी दोस्तों ली जाएगी। मतलब सरकार ने जो बोला है कि हमने, देखो लिखा भी है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव ₹30,600 करोड़ गारंटी टू बैक सिक्योरिटी रिसिप्ट इशूड बाय द NARCL, मतलब अगर IDRCL बेच नहीं पाएगा तो जो 85% का वादा NARCL ने किया था गाइस वो यहां से पूरा किया जाएगा, 30,600 करोड़ रुपए का, वही ये बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो गवर्नमेंट गारंटी विल बी इन्वोक दोस्तों, और ये लिखा हुआ है, दिस गारंटी इज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भैया हम 5 साल के लिए गारंटी देंगे, उसके बाद हम नहीं देंगे, उसके बाद अपना देख लेना। तो ये दोस्तों पॉइंट है और यही पर दोस्तों हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। टॉपिक काफी अच्छा है दोस्तों, इसे आप लोग मन से पढ़िएगा। तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया दोस्तों आपको, फिर मैंने थ्योरी पढ़ाई दोस्तों। थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट जरूरी है आपके लिए दोस्तों, देखो NARCL का फुल फॉर्म और IDRCL का फुल फॉर्म दोस्तों, ठीक है, इनकी ऑथराइज कैपिटल, इनकी पेड अप कैपिटल दोस्तों, सरकारी बैंक का इतना शेयर है और प्राइवेट बैंक का इतना शेयर दोस्तों, याद रखिएगा। कैनरा बैंक स्पॉन्सर बैंक है दोस्तों NARCL में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट गारंटी फंड कितना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हु इज द MD CEO, हु इज द चेयरमैन, यहां तो क्वेश्चन बने दोस्तों। तो बस ये पॉइंट याद कर लेना, काम आपका हो जाएगा। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करें, हमें बताएं दोस्तों। और बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप कौन सा टॉपिक करंट में जो है पढ़ना चाहते हैं वो हमें कमेंट करें दोस्तों, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं आपसे फिर से धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।